ये सिर्फ आश्वासन ही मिला। परसों भी जेई साहब और एक्सियन और ईओ मैडम निशा शर्मा भी आए थे, निरीक्षण करके चले गए। उनका यही कहना होता है दो दिन में काम लग जाएगा, तीसरा दिन हो गया और जनता इतनी परेशान है। और मैं अपने जनता के हित को देखते हुए इस पार्टी को त्याग पत्र दे रहा हूँ। के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर बुरी तरह से हताश व परेशान हो गए हैं। इसी संदर्भ में सैनी मोहल्ला निवासी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी राजपूत सभा प्रधान अश्विनी कुमार ने बताया कि स्थानीय निवासियों में मौजूदा सरकार व प्रशासन की कारगुजारी को लेकर भारी रोष उत्पन्न है, क्योंकि सैनी मोहल्ला की गलियों को देखा जाए तो उनकी हालत इतनी जर्जर है कि वहां से किसी वाहन का तो क्या, पैदल गुजरना भी संभव नहीं है। इसके साथ ही ना तो यहाँ पर कभी नगर परिषद के सफाई कर्मी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहुँचते हैं, और रही बात पीने के पानी की तो नलों से गंदा पानी निकलता है। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार स्थानीय नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाया है, परंतु यहाँ की समस्याएं ज्यों की त्यों ही हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर सैनी मोहल्ला के स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्यक्त है। वहीं प्रेस से बातचीत करते हुए अश्विनी कुमार ने बताया कि भाजपा सरकार कार्यकाल में आम जन की बुरी हालत हो गई है और लोगों की आवाज व समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं की जाती, इसलिए उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी को अलविदा कह दिया। अश्विनी कुमार बीजेपी पार्टी के कई वर्षों से सेवादार थे और बूथ नंबर 89 के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अश्विनी कुमार से जब पूछा गया कि क्या वह किसी अन्य पार्टी में जाएंगे तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वह निष्पक्ष होकर समाज सेवा करेंगे और लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर निरंतर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि सैनी मोहल्ला की टूटी फूटी गलियों का मुआयना खुद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ज्ञात रहे कि पिंजौर रामबाग शमशान घाट भी सैनी मोहल्ला में स्थित है और गलियों की बुरी हालत को लेकर लोगों का वहां तक पहुंच पाना असंभव सा लगता है, और बरसात के मौसम में तो गलियों में कीचड़ और हर जगह गंदगी का आलम देखने को आसानी से मिल सकता है। नमस्कार जी, मैं अश्विनी कुमार आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो सैनी मोहल्ले, बरागी मोहल्ला और चोना चौक की गलियों की जर्जर हालत बुरी है, आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं। मैंने कई बार अपनी पार्टी को भी और प्रशासन को भी एप्लीकेशन दे के उनको बताया, लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ आश्वासन ही मिला। परसों भी जेई साहब और एक्सियन और ईओ मैडम निशा शर्मा भी आए थे, निरीक्षण करके चले गए। उनका यही कहना होता है दो दिन में काम लग जाएगा, तीसरा दिन हो गया और जनता इतनी परेशान है। और मैं अपने जनता के हित को देखते हुए इस पार्टी को त्याग पत्र दे रहा हूँ। नहीं, मेरा ऐसा कोई अभी निर्णय नहीं है, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं जैसे पहले समाज में रह करके लोगों की सेवा करता था, वही सेवा आगे भी जारी रहेगी। जैसे कि आपको पता है सैनी मोहल्ले की मेन गली है और यही रास्ता रामबाग की तरफ भी जाता है, और आपने इन गलियों को देख ही लिया। जब भी कोई मौत होती है उसके कांधा देने के लिए शव को लेके जाते हैं, खड्डे होने के कारण वहाँ पर कई बार लोग भी गिर चुके हैं, इनको चोटें लगी हैं। दूसरा, ये राजविंदर सिंह जी का घर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने खुद अपने निजी पैसे से 22,000 रुपये लगा के यहाँ पे अपनी गली ठीक करवाई है, और आज भी मैं ये जो यहाँ से कचरा उठवा रहा हूँ, अपने पैसे निजी पैसे से उठवा रहा हूँ, ये इतना बुरा हाल है यहाँ का। धन्यवाद।